नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बस। आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे अर्थव्यवस्था के खान सर के एनसीईआरटी सार संग्रह क्लासिक्स से लेकर 12 तक के बहुत ही ज़्यादा शानदार बुक का दोस्तों हम रिव्यू करेंगे। और ये इंडियन इकोनॉमी का बहुत ही ज़्यादा शानदार बुक है दोस्तों। इकोनॉमिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेंगे, 3000 से ज़्यादा फैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये बुक दोस्तों किरण पब्लिकेशन का बुक है, इस बुक के राइटर खान सर है। इस बुक के अंदर आपको विशेष आकर्षण पॉइंट में दोस्तों देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट बूस्टर में आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को कवर किया गया, आर्थिक एवं सामाजिक विकास को कवर किया गया, आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कवर किया गया, केंद्रीय बजट 2023-24 को कवर किया गया है। 3000 से ज़्यादा आपको फैक्ट देखने को मिलने वाले इस बुक के अंदर। ₹125 MRP है, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिलेगा। 41 से 48 इस बुक का कोड है दोस्तों। इस बुक का कोड देखने के बाद ही इस बुक को परचेज कीजिएगा। और ये सभी बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे, जिसमें अर्थव्यवस्था हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, राजव्यवस्था हो गया, पर्यावरण हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया। टोटल 8 बुक आते हैं दोस्तों खान सर के एनसीईआरटी पे आधारित। तो ये 8 बुक आपके पास होना चाहिए। सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर बात करें नंबर ऑफ पेज के बारे में तो 176 पेज है। इस बुक का जो प्रिंटिंग क्वालिटी और पेपर क्वालिटी आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगा। कूपन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, इस कूपन से आप 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टेस्ट दे सकते हैं। और ये बुक दोस्तों एनसीईआरटी अर्थव्यवस्था क्लासिक्स से लेकर 12 खान सर का किरण पब्लिकेशन का ये बुक है दोस्तों। इस बुक के अंदर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया है। ₹125 MRP है, न्यू एडिशन है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे जो विषय सूची है, उसको देखने से पहले मैं बता दूँ इनका कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, इन पर चाहे तो आप विजिट कर सकते हैं। विषय सूची दोस्तों आप देखेंगे तो अर्थव्यवस्था एक परिचय, सबसे पहला टॉपिक है राष्ट्रीय आय एवं संबंधित अवधारणाएं, आर्थिक नियोजन, कृषि संबंध क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र एवं अवधारणा, मुद्रा बैंकिंग, पूंजी बाजार, राजकोषीय नीति, सार्वजनिक वित्तीय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वैदेशिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, निर्धनता, बेरोजगारी, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन एवं संस्थाएं, आर्थिक समीक्षा 2022-23, केंद्रीय बजट 2023-24 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। तो बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, इस बुक को आप लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों पहला टॉपिक आपको देखने को मिलेगा अर्थव्यवस्था एवं परिचय आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कवर किया गया है इस बुक के अंदर। यहाँ पे दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी आपको देखने को मिलेगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थव्यवस्था, प्रत्यक्ष अर्थव्यवस्था, उसके बाद मानक अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, समाजवाद अर्थव्यवस्था, मतलब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में जो क्वेश्चन का लेवल है काफ़ी अच्छा है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है इनका और एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे कोई अच्छा अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है, पूंजीवाद का जनक भी कहा जाता है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। इस बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया दोस्तों, बुक आपको कलरफुल देखने को मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे ये करंट अफेयर का टॉपिक आप बोल सकते हैं, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, मानव विकास रिपोर्ट, उसको यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में कवर किया गया है। कुछ टॉपिक है जिसको डिटेल में कवर किया गया, और साथ में आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी देखने को मिलने वाले हैं। बुक दोस्तों काफी ज्यादा बेहतरीन है। इस बुक में आपको अर्थव्यवस्था एक परिचय रेखा चित्र आपको देखने को मिलेगा, डिमांड कर्व क्या होता है, सप्लाई कर्व क्या होता है, सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा इकोनॉमिक से रिलेटेड। बुक दोस्तों काफी ज्यादा बेहतरीन है, इस बुक को लीजिए। इंपॉर्टेंट टेबल भी आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा, जो फैक्ट है इसको कवर किया गया है। राष्ट्रीय आय हो गया, संबंधित अवधारणाएं हो गए, राष्ट्रीय आय लेखांकन हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया, उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा प्रति व्यक्ति आय, उससे वृद्धि हो जाएगा, जीएनपी अंतराल हो जाएगा, कोर सेक्टर हो जाएगा, चालू बाजार मूल्य जीडीपी हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रीय आय की अवधारणा हो जाएगा, उसके बाद सारा कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बुक के अंदर देखने को मिलने वाला है। आर्थिक नियोजन हो जाएगा, हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया है इस बुक के अंदर दोस्तों। बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इस बुक को दोस्तों आप ले सकते हैं, बुक के बहुत ही ज़्यादा शानदार है, हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से, इंपॉर्टेंट टेबल दोस्तों आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरी के टॉपिक को देख रहे हैं, और ब्रिज लोन है, आयकर हो गया, उसके बाद सीमा शुल्क हो गया, उसके बाद नेट इंटरनेट इन्वेस्टमेंट पोजिशन हो गया, क्रय शक्ति क्षमता हो गया, अंचल लागत हो गया, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा, नज सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है, रेल बजट एक नज़र में, सभी कुछ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इस बुक के अंदर देखने को मिलेगा। बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, अंतिम में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा।
यहाँ दोस्तों देखिएगा 13 अध्याय साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन इस बुक के अंदर देखने को मिलने वाला है। यहाँ दोस्तों देखिएगा अटल नौ इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है, तो नीति आयोग। तो इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी यहाँ भी कवर किया गया है। कायाकल्प पहल क्या होता है, सामाजिक प्रगति सूचांक क्या है, ठीक है, और विश्व लिंग असमानता सूचांक क्या है में क्या है, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी कवर कर सकते हैं। ये जो सीरीज है दोस्तों खान सर का बहुत ही अच्छा सीरीज है, और इस सीरीज के सभी बुक आपके पास होने चाहिए। टोटल 5 बुक प्लस में 3 आपको साइंस के बुक आपको लेने चाहिए। बुक दोस्तों काफ़ी अच्छा है, बुक आपके एग्जाम के लिए बेहतर बनाया गया है खान सर के द्वारा, और इस बुक को लीजिए। सभी बुक का मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं 5 बुक को एक बार आपको दिखा देता हूँ, 5 बुक का MRP भी दिखा दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। 5 बुक का रिव्यू आपको एक साथ देखने को मिलेगा। इसका एक और बुक है इतिहास का, उसके बाद भूगोल का, पर्यावरण का, और साथ में भारतीय राजव्यवस्था का। टोटल 5 बुक है दोस्तों, 5 बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है आपके मन में तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।